देखिए दोस्तों, ये है एक 40 इंच का सैमसंग का ओरिजिनल एलईडी, जिसका मॉडल नंबर है ये आपके सामने UA40H5100। ठीक है, इसको मैंने कर रखा है ओपन। देखिए ये इसका सप्लाई है, ये 40 इंच का जो मॉडल है इसका ये इस तरह का सप्लाई है। इसमें ये टीकोन लगा है, ये रहा हमारा इसका कार्ड मदरबोर्ड, और इसका फॉल्ट है जो आपके सामने है, मैं आपके एक बार दिखाना चाहता हूँ। यह रहा इसका स्टैंड बाई का जो एलईडी है, आप देखिए इसमें कैसे प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है ये ब्लिंकिंग कर रहा है। स्टैंड बाई का जो एलईडी है वो ब्लिंकिंग कर रहा है, ऑन नहीं होता। और थोड़ा सा मैंने इस पर वर्क किया, देखिए जब ये ब्लिंकिंग करता है, उन्होंने कोशिश करता है, यहाँ टीकोन में लाइट भी जल जाती है। देखिए जब स्टैंड बाय से एलईडी रिलीज होती है तभी एक बार यहाँ पर सप्लाई जरूर आती है, लेकिन वापसी चली जाती है। तो देखने में लग रहा है कि कुछ शॉर्टिंग है, पहले मैंने बैकलाइट का जैक निकाल दिया, फिर भी कोई फॉल्ट नहीं निकला, फॉल्ट सेम ही था। उसके बाद मैंने पैनल का जो है यहाँ पर फ्लैप लगाया, एलईडी जो फ्लिप FFC केबल लगी है मैंने वो यहाँ से रिमूव कर दी, फिर भी फॉल्ट हमारा नहीं निकला। तो कुल मिला के जैसे देखा गया कि सप्लाई में तो मुझे फॉल्ट कोई भी नज़र नहीं आया, ना ही टीकोन में है, ना ही पैन में की तरफ है, सीधा सा ये मतलब है कि इसमें मुझे जो फॉल्ट लग रहा है वो इसका कार्ड का लग रहा है, मदरबोर्ड का लग रहा है। और अभी मैंने इस पर कोई भी वर्क नहीं किया, तो फिलहाल मैं इस पर अभी वर्क करने वाला हूँ, और इस पर कार्ड पेयर पे जो भी फॉल्ट होगा मैं उसको निकालने वाला हूँ, देखता हूँ इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। अभी तो मैंने इस पर कुछ ट्राई नहीं किया, जो फॉल्ट निकलता है पहले उसको मैं अच्छे से देख लेता हूँ एक बार, और उसके फॉल्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने कुछ टाइम इस पर लगभग आधा से पौना घंटा टाइम इस पर लगाया, और सॉफ्टवेयर का मुझे लगा डाउट, क्योंकि हो सकता है कि इसमें सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो, क्योंकि स्टैंड बाय के लिए जो सप्लाई चाहिए वो 1.2 वोल्ट 3.3 वोल्ट आ रही थी, और मैंने सॉफ्टवेयर आसान लगा पहले करना, क्योंकि हार्डवेयर चेंज करने से पहले काफ़ी आसान हो जाता है कि हम सॉफ्टवेयर डालने, सॉफ्टवेयर में लगता कुछ नहीं, 10 मिनट लगते हैं। मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा था इसका, टेलीग्राम हमारे चैनल पर मिल जाएगा यदि आपको चाहिए तो, ज़्यादातर मॉडल के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यदि आपको कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर लगभग मोस्टली सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से आप उसको ले सकते हो, टोटली फ्री होता है वहाँ पर। और बात आती है, मैंने जब सॉफ्टवेयर डाला तो हमको कोई सोल्यूशन फ़िलहाल नहीं मिला, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा हिंट मिला है, लेकिन ये देखिए सेम ब्लिंकिंग और सेम यहाँ पर जो टीकोन में लाइट आ रही है वो आके चली जा रही है, सेम है, कुछ नहीं चेंज हुआ। तो जो सप्लाई इसमें मैंने काफ़ी ट्राई किए, डाटा चार्ट सप्लाई चार्ट सॉरी इस कार्ड का सप्लाई चार्ट मुझे मिल जाए, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी मिल गए मॉडल के, लेकिन सेम हमको नहीं मिल पाया। तो मैंने बिना चार्ट के ही कुछ ट्राई किया, तभी हमको ज़्यादा टाइम लग गया, यदि सप्लाई चार्ट होता तो सप्लाई हम एकदम से चेक कर लेते, कई जगह पर 4 वोल्ट है, कहीं पर 5 वोल्ट है, कुछ ऐसी तरह सप्लाई पे इनपुट है। तो मैं पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1.2 वोल्ट मिल रहा है, जो मेरे ख्याल में सही भी है, ये मेन चिप के लिए होगी। एक है 3.3 वोल्ट, एक मिनट, यहाँ पर आएगा 5 वोल्ट, ताकि आपके पास कोई बोर्ड आ जाए आपको चेक करने में आसानी हो, तो मैं इसलिए वीडियो में इसकी डिटेल थोड़ा सा दे देता हूँ कहाँ पर कितना मिल रहा है। 5 वोल्ट प्रॉपर ओके है, और 3.3 वोल्ट यहाँ पर हमको मिल रहा है, ये देखिए इस रेगुलेटर पर हमको 3.3 वोल्ट मिल रहा है फ्लैश IC के लिए, वो भी प्रॉपर ओके है। फ्लैश IC के 8 नंबर पिन पर ये देखिए 3.3 वोल्ट, और 1 नंबर जो फ्लैश IC का है वहाँ पर ये ब्लिंकिंग जो लाइट में कराए देखिए, वही इधर भी मीटर में शो करा है, 3 वोल्ट आता है 0 वोल्टेज, जब रेड सिग्नल आता है तो सप्लाई चली जाती है, और जब रेड लाइट चली जाती है तो यहाँ पर 3 वोल्ट आ जाता है, ऐसा ब्लिंक करा है। और यहाँ पर जो IC लगा है यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज है, जो यहाँ पर एक मिनट में देख देता हूँ, 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है यहाँ से, यहाँ पर एक IC के जो कोने पर 3.3 वोल्ट है देखिए, और जो यहाँ पर इनपुट, और यहाँ पर है 5 वोल्ट इस पिन पर,
इस आईसी के 8 नंबर पिन पर, यहाँ पर इसका 1 नंबर पिन है, यहाँ पर 8 नंबर पिन है, यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट है। और इसके एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो 5 वोल्ट इनपुट है इस रेगुलेटर पर, इस आईसी के थ्रू यहाँ पर आया हुआ है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है और इस पिन पर सेम रेगुलेटर हमको लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 4 वोल्ट हमको मिल रहा है देखिए। और इसी से आउट होकर यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिल रहा है हमको, और इसी से 4 वोल्ट से यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और इधर वाले पोर्शन में देखिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के साथ साथ आउटपुट जो हमको मिल रहा है यहाँ पर 5 वोल्ट है इस कॉइल पर, यहाँ पर 5 वोल्ट हमको मिल रहा है देखिए। और यहाँ पर इनपुट देख लेते हैं किस पिन से हो रहा है। यहाँ पर देखिए 7 वाली पिन पर यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और यह इधर वाली रेगुलेटर पर आ जाएं तो यहाँ पर हमको मिल रहा है, एक बार देख लेता हूँ, 1.8 वोल्ट इस पिन पर आउट हो रहा है देखिए। और इसके साथ वाली आईसी पर यहाँ पर मिल रहा है हमको 4 वोल्ट, यहाँ पर 3 इस इधर वाली साइड 3.3 वोल्ट है और इधर वाली साइड 4 वोल्ट है। और इधर जो आईसी है यहाँ पर इनपुट हो रहा है इसके पिन देख लेता हूँ कौन सा नंबर, यहाँ पर एक नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पिन पे है ये आउटपुट 5 वोल्ट है, इस कॉइल के थ्रू जो आउट हो रहा है ये है 4, 5, 6 नंबर पिन पे आउटपुट है ये 5 वोल्ट है। ये देखिए इस कॉइल पर 5 वोल्ट आएगा, वो प्रॉपर ओके है। और जो इनपुट है वो 8 नंबर पिन पे इनपुट हो रहा है 12 वोल्ट 12-13 वोल्ट जो इनपुट होगा वो यहाँ पर इनपुट हो रहा है। मोस्टली सप्लाई मुझे तो ठीक ही लगी, एक डाउट तो मुझे यहाँ पर था 4 वोल्ट पर, इससे पहले ये तो आउट हो गया, ये ट्यूनर वाली साइड होगी आरएफ वाली, तो इसके बाद में देखेंगे। और जो हमको डाउट है जैसे पेन ड्राइव का जो सॉफ्ट है उसमें 5 वोल्ट चाहिए लेकिन यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट यहाँ पर भी है, 4 वोल्ट वहाँ पर भी है। पहले मैं इसको देख लेता हूँ, ये 4 वोल्ट का जो जंपर है, जो 4 वोल्ट हमको यहाँ मिल रही है क्या वहाँ पर भी एक ही जंपर से मिल रही है, अलग अलग है। खास जो प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है कि 5 वोल्ट का ही प्रॉब्लम है, जहाँ पर ये 4 वोल्ट मिल रही है देखिए, जैसे इस पिन पर 5 वोल्ट मिल रही है लेकिन इस रेगुलेटर के साथ वाले पे 4 वोल्ट मिल रही है। मुझे इसी पर डाउट है, थोड़ा सा मैं इस पर वर्क कर लेता हूँ, हो सकता है यही 4 वोल्ट है जो इस सर्किट में भी यही हो। अभी क्लियर नहीं है कि यही 4 वोल्ट यहाँ पर भी मौजूद है, यही 4 वोल्ट पेन ड्राइव के जो हमारे सॉकेट है यूएसबी सॉकेट उसमें भी 4 वोल्ट हमको मिल रहा है, ये नहीं पता भी यही टोटली यही 4 वोल्ट वहाँ पर भी है या अलग अलग है। मैं थोड़ा सा मैं इस पर वर्क करता हूँ, और मुझे डाउट ये 4 वोल्ट का ही है, देखते हैं इससे फॉल्ट निकलता है हमारा या नहीं निकलता। दोस्तों जैसे कि मैंने चेक किया यहाँ पर जो 4 वोल्ट रेगुलेटर पर आया हुआ है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी 4 वोल्ट जो 4 वोल्ट है उस पर हमको थोड़ा डाउट था, तो यही 4 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहा था और पेन ड्राइव का जो सेक्शन यूएसबी पोर्ट है जो उस पर भी 4 वोल्ट आ रहा था। मैं तो कह रहा था कि आपको मैं चेक कर लूँ, तो वह ऐसा ही है कि वो एक ही प्रिंट है, यहाँ पर जो 4 वोल्ट है ये देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट वही यहाँ पर है पेन ड्राइव के सेक्शन में, वही पेन ड्राइव वही 3.3 वोल्ट आउटपुट के भी सेक्शन में वही वोल्टेज 4 वोल्ट जो मिल रही है वही है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको ग्राउंड कर लिया 4 वोल्ट के जो प्रिंट पर, उसको लगा दिया ब्लैक वायर को, और ये देखिए फुली ये कनेक्ट है वहाँ पर भी, और साथ में जो पेन ड्राइव का सेक्शन है यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी लगाया देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आके वही 5 वोल्ट यूएसबी पोर्ट पे जाएगी। ये देखिए मैं एक बार इसको अच्छे से दोबारा से चेक करा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी फुली शॉर्टिंग में एक प्रिंट आ रहा है, मतलब 4 वोल्ट जो है जो इतने एरिया में मिल रही थी हमको वहाँ भी मिल रही थी, तो वही 4 वोल्ट सेम ही है, मतलब उसका जो पॉइंट है टेस्टिंग पॉइंट सबका एक ही है। और क्लियर हो गया कि वो 4 वोल्ट की जगह पे हमको 5 वोल्ट चाहिए, यहाँ से क्लियर नहीं था क्योंकि 4 से 3.3 वोल्ट आउट हो सकता है और जैसे भी हमको मिल रहा था, लेकिन इस एरिया में 4 वोल्ट से 5 वोल्ट कभी भी निकल नहीं सकता, तो 4 वोल्ट इसी प्रिंट पर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी 4 वोल्ट मिल रहा है।
तो हमको यहाँ पर 5 वोल्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी तीनों पर अपने आप आ जाएगा जहाँ पर हमको 4 वोल्ट मिल रहा है। तो मुझे फॉल्ट इसी का लग रहा है फिलहाल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो 4 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर भी आप चाहो तो कहीं पर भी एक 5 वोल्ट से यहाँ पर 4 वोल्ट पर एक जम्पर दे के मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रही है तो यहाँ से भी मैं 4 वोल्ट का जम्पर 5 वोल्ट से ले सकता हूँ, और यहाँ से भी 5 वोल्ट हमको मिल रही है इस आईसी से मिल रही है। तो यहाँ से भी यहाँ पर आ रही है, यहाँ से भी मैं इसको जम्पर दे सकता हूँ। मैं एक बार 4 वोल्ट को 5 वोल्ट का जम्पर दे के देखता हूँ कि हमारा LED सेट ऑन होता है या नहीं होता, तो मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने ना जो 5 वोल्ट था मैंने इस कॉइल से उठा लिया उसको, जैसे जम्पर देके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जो 5 वोल्ट है अभी इस पे से होकर यहाँ पर भी आएगी, वही जो प्रिंट है यहाँ पर भी है, मतलब जो 4 वोल्ट मिली थी 5 वोल्ट अब हर जगह मिलेगी। तो मैं एक बार इसको अभी वायर लगा के चेक भी कर लेता हूँ क्या हमारा फॉल्ट निकला या अभी हमको और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने वायर लगा दिया, देखिए अभी। तो दोस्तों ये हमारा जो फॉल्ट था वो निकल ही चुका है, क्योंकि 5 टाइम ब्लिंक करके ऑन हो चुकी है। ये देखिए स्टैंड बाय का जो LED सिग्नल था वो चला गया है, फिलहाल ऑन हो चुकी है। और सप्लाई देखिए, यहाँ पर जो 4 वोल्ट था हमारी 5 वोल्ट भी आ चुकी है। और ये देखिए टीकॉन जो लाइट सब जल गया है, और बैक लाइट्स आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से होल में जैसे दिख रहा है बैक लाइट भी चल गया है। तो पहले एक बार मैं देख लेता हूँ उसको उठाकर, एक बार क्या हमारा फॉल्ट क्लियरली निकला है या कभी कुछ और भी करना पड़ेगा। शायद हमारा ये फॉल्ट निकल ही गया है, ये देखिए दोस्तों हमारा सेट ओके हो चुका है, जो फॉल्ट हमारा निकल चुका है और आपके सामने ये LED जो हमारा 40 इंच था बिल्कुल सही चल रहा है, देखिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मुझे इस पर इसको फॉल्ट को निकालने में अभी लगभग इसको हो गया दो से ढाई घंटे इसको हो गए हमको, मतलब 2.5 घंटे लगा इसको फॉल्ट को निकालने में। और मैं एक काम करते हैं, क्योंकि मैं इस हमारी शॉप पर अकेला हूँ फिलहाल, अभी मेरे पास कोई नहीं है, अकेला मैं वर्क करता हूँ। और एक काम करता हूँ कि मैं जब भी फॉल्ट निकालता हूँ तो इतना टाइम लगा देता हूँ, मैं 4 से 5 घंटा एक LED पर मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मैं फॉल्ट के एंड तक पहुँचता हूँ, मैं कभी भी फॉल्ट बीच में नहीं छोड़ता। कि फिर देखेंगे जब मैं 4 से 5 घंटा लगा के फॉल्ट नहीं निकल पाता तभी मैं उसको रख देता हूँ कल के लिए परसों के लिए, तभी मैं बाद में उसको फिर देखता हूँ, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। जब तक ठीक नहीं होता तब तक मैं स्ट्रगल उस पर करता रहता हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे बताने से आप भी मोटिवेट हो। और अब कई बार क्या करते हैं, हम थोड़ा टाइम लगाते हैं 1/2 घंटा और उसके बाद देखते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम उस LED को वहीं पर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये बनेगा नहीं, छोड़ो इसको यार। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं 4 से 5 घंटे लगा देता हूँ। आप सोच के देखिए, हम 8-9 घंटा दुकान पे शॉप पे हमारे पर वर्क करते हैं, लेकिन आधा दिन हम एक LED पे लगा देते हैं तो कितना मुश्किल है, आप सब जानते होंगे कि आधा दिन लगाने की LED पर कितना मुश्किल होता है, हमको और भी काम करना पड़ता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब तक फॉल्ट के तह तक नहीं पहुँचता, क्लियर नहीं हो जाता कि फॉल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा क्या बनेगा, तब तो मैं लगा ही रहता हूँ। मैं इस पर 2.5 घंटे लगे, मैं फॉल्ट मिल गया तो हमको कितना संतुष्टि मिलता है, ऐसे फॉल्ट निकल जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कर रखा है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। हर एक LED के ऊपर इतना वर्क करते हैं कि जब तक कि हम उसकी फॉल्ट की तह तक ना पहुंच पाए, जब तक तह तक नहीं पहुंचते तब तक फॉल्ट निकलता ही नहीं। तो मैं इसलिए आपको ये डिटेल दे रहा हूँ क्योंकि आप हमारी इस वीडियो से और इस मेरे विचार से आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आप भी इतना टाइम लगाएंगे कि आपका फॉल्ट निकल जाए। और दोस्तों यदि आप नए टेक्नीशियन हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियो के साथ साथ आपको मोटिवेशनल जो बातें हैं मैं वह बताता रहूँगा। और जैसे मैं फॉल्ट निकालता हूँ कुछ बता के ही, कुछ अकेली चीज़ समझा के आपको इसके बारे में डिटेल दे के मैं आपको इसके फॉल्ट के बारे में बताता हूँ, साथ में निकालता भी हूँ। इससे क्या होगा, आपको यदि कम नॉलेज होगा तो आप धीरे धीरे हमारे चैनल पर वीडियो देख कर समय लगा कर जल्दी जल्दी आप उसके बारे में अधिक नॉलेज इकट्ठा कर पाएंगे, और जो भी फॉल्ट आपके पास आते हैं उसके बारे में आप जल्दी सीख जाएंगे और निकालेंगे भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।